थोड़ी सी बर्फ और एक ओखली से बन जाएगी, आपके काम बहुत ही आसान और बहुत ही सरल। नमस्कार दोस्तों, चलिए देख लेते हैं आज के हमारे बहुत ही यूजफुल टिप्स है। पसंद आएगी तो आप इसको प्लीज शेयर कीजिए, शेयर करने से सब हेल्पफुल होते हैं। और हाँ दोस्तों, एक बात बोलना चाहूंगी, रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, आप दिन में कुछ खाए ना खाए लेकिन एक अंगूर, एक संतरा, नहीं तो एक हमारा अमरूद जरूर खाइए। हर रोज एक खाइए, कुछ खाए ना खाए, तभी जाके आपको इतना फायदा मिलता है, ये मेडिसिन जैसे काम करता है। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। कैसे सब लोग? उम्मीद करते हैं सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम देख लेते हैं सबसे बहुत ही जरूरी है, जो सबको चाहिए और सबको बिना पैसे में, कम पैसे में जो घर पे हो जाए, वही हम ट्रिक देखेंगे। जो घर पे आपकी किचन में जो भी सामान है आप उसी से कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करनी है दोस्तों, ये देख लीजिए। इस तरह की बर्तन अगर आप लोगों के पास है तो ये आप ले सकते हैं, इसके जगह कोई थाली ले सकते हैं। ये एक बड़ा वाला ये बर्तन है, बड़ी कटोरी है, और ये इस मेटल की है जो कि आपकी, देखिए स्टील मेटल मत लीजिए। तो यहाँ पे इस बर्तन मैंने ले ली, और इसमें हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे देसी घी एक चम्मच लेते हैं। याद रखिए दोस्तों, पूरा प्योर देसी घी आप लोग को लेना है, बिल्कुल कोई आप दुकानदार की जो डब्बे वाली घी बिल्कुल मत लीजिए, नहीं तो आपको लेने के देने पड़ सकते हैं। ये मैं बोल रही हूँ, देसी घी का कलर ऐसे ही होता है दोस्तों, कोई सफेद नहीं होता है, पीला नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है, इस तरह से पूरा डीप कलर होता है, क्योंकि इसको बहुत ही पका के बनाते हैं। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए दोस्तों, यहाँ पे लेते हैं एक टुकड़ा बर्फ लेते हैं, और बर्फ को ओखली में डालते हैं और इसको पीसते हैं। ठीक है, आप इसको बर्फ को थोड़ा पीस लीजिए, हमें छोटा सा टुकड़ा यहाँ पे बर्फ चाहिए, इसीलिए मैंने ओखली की इस्तेमाल की है। तो देखिए, ये टुकड़े टुकड़े में हमने बर्फ बनाया है, यही बर्फ हमें चाहिए और यही हमें हेल्प करेगी। तो हमने इस बर्फ को क्या करते हैं, इसे घी में डाल देते हैं, और याद रखिए पूरा देसी घी लेना है। आपको इस बात की ध्यान रखना है कि आप चीजें कौन सी ले रहे हैं और किस मेटल की ले रहे हैं। और यहाँ पे एक कॉपर की जो तांबा होता है, तांबा के एक बर्तन में ली, तांबा की ग्लास ली, अगर आपके पास लोटा है वो ले सकते हैं, तांबे की पूरा प्लेट ले सकते हैं, बस उतना ही। आप देखिए, आप अगर स्किप करेंगे तो आपकी ही परेशानी बढ़ जाएगी। यहाँ पे मैं क्या करने की कोशिश कर रही हूँ और क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ आप लोग समझिए। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, इस तांबे में क्या करेंगे, इस जो बर्फ हमने डाला है इसको अच्छे से हमने मिक्स करेंगे, मतलब हम क्या करेंगे, राउंड 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 करके, सर्कल सर्कल करके हम इसको अच्छे से मिलाएंगे। तो ये जो बर्तन की जो मेटल है, ये मेटल और तांबे के ऊपर का जो ये परत है, जो तांबे एक मेटल होता है, और ये जो बर्तन में मैं कर रही हूँ कटोरी में, ये एक मेटल होती है, दो मेटल होती है। आप इसमें क्या कीजिए, अच्छे से इस घी को अच्छे से चलाइए, मतलब ये जो ऊपर की जो मेटल की जो होता है, पीतल और मेटल की, तो ये दोनों की जो सब्सटेंस है ये घी में मिलनी चाहिए, कॉमन सी बात है। और बर्फ जो होता है, बर्फ अच्छे से इसको नरम करेगी। तो देखिए हमने किस तरह से घी डाला था और होने के बाद किस तरह से ये हो गया पूरा, इसलिए मैं बोल रही हूँ पूरा शुद्ध घी लीजिए, बिल्कुल दुकान वाली, ये जो मिलावट वाली घी बिल्कुल मत लीजिए। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, देखिए होने के बाद थोड़े थोड़े हम क्या करेंगे, तांबे के ऊपर इसको अच्छे से रब करेंगे, ये जो हमने बनाया, ये जो पेस्ट हमने बनाया, इसको रब करके फिर से आप निकाल देंगे, फिर से आप अपने हाथ चलाएंगे जब तक ये बर्फ पूरा मेल्ट होके, पानी होके नीचे आ जाए। बर्फ हमने इसीलिए इसमें डाला कि ये बर्फ इसका जो ये जो टेक्सचर है, टेक्सचर को एक तो बदल दे, थोड़ा टाइट टेक्सचर ले आए, और ये जो घी की सब्सटेंस इसको ये बदल दे, यानी कि इसमें जो पीतल और ये पीतल और ये तांबे का जो मिश्रण है ये भी घी के अंदर मिल जाए, क्योंकि ये जो पीतल और तांबे का जो मिश्रण होता है ये बहुत ही अच्छा होता है और ये घी में अच्छे से मिल जाए। बहुत सारे लोगों को ये देख के लग रहा होगा ये तो हमने देखा है, ये तो ये और कुछ बना रहे, लेकिन आप लोगों की हेल्प के लिए बना रही हूँ ये। देखिए दोस्तों, बाहर भटकने से अच्छा है घर पे ही हम कर ले, बाहर भटकते रहे, लाखों रुपया खर्चा करते रहे, फिर भी हमें सोल्यूशन ना मिले, फिर भी हम भाग दौड़ के आते हैं अपने घर पे। जो बोलते हैं ना, बाहर जितना भी घूमो भागो, घर पे ही आना है, तो वही होता है, हम बाहर के सारे चीजें एक्सपेरिमेंट कर लेते, फिर घर के अंदर आते, वही कॉमन चीज इस्तेमाल करते, फिर हमें रिजल्ट मिलती है। सबसे अच्छा है बाहर मत घूमो, यही घर पे कर लो, बस
सिंपल सी बात है। तो देखिए मैंने करने के बाद इसका टेक्सचर देखिए और बबल जैसे फॉर्मिंग हो रहा है। तो देखिए मैं पास से दिखा रही हूँ, छोटे छोटे बबल जैसे हो रहा है, यानी कि ये हो चुका है। तो देखिए ये दोनों मेटल की ये जो मिश्रण मिल चुका है और ये हमारी जो घी है, सारे बर्फ जो हमने डाला था वो अच्छे से मिक्स हो चुका है, पानी हमने एक्स्ट्रा पानी उसमें से निकाल दी है। तो देखिए इसकी टेक्सचर कैसे हो गई है। अब यही टेक्सचर में हमें चाहिए ये चीज, हम इसको अभी निकाल देते हैं। यहाँ देखिए मैं अपनी फिंगर से दिखा रही हूँ, अपने हाथ से दिखा रही हूँ, बिल्कुल चिपचिपा नहीं है, कुछ भी नहीं है। नहीं तो पूरा घी देखो, पहले आप घी लेंगे तो चिपचिपा लगेगा आपको, तो देखिए ये बिल्कुल चिपचिपा नहीं है। और हमारी तांबा का जो लोटा होता है, ग्लास होता है, ये बिल्कुल सफेद हो जाएगी, मतलब इसके ऊपर जो परत हो जाती है ना, ये परत ये जो कलर है पूरा मिल जाएगी इसके अंदर, जैसे लगेगा आपने तांबे के लोटे को साफ कर लिया है, ग्लास को साफ कर लिया है, इस तरह से आपको दिखेगी। तो बनने के बाद देखिए मैं इस तरह सारे चीजों को यहाँ पे कलेक्ट कर लेती हूँ अपनी उंगली से। आप क्या कीजिए, सारे जो अपने घी हमने बनाया है सारे चीजों को आप कलेक्ट कर लीजिए। पहले हमारा घी कैसे दिख रहा था और ये अभी कैसा दिख रहा है। अब ये बन गया हमारी काम के लिए, ठीक है। मैं अभी निकाल रही हूँ अपनी उंगली से, थोड़ा थोड़ा करके आप बनाइए, ज्यादा मत बनाइए, थोड़ा थोड़ा करके 15 दिन के लिए रखिए, फिर जाके फिर से आप बनाएंगे। ये ऐसा चीज है, आपकी एक चम्मच की घी से आपकी इतनी बड़ी अच्छी काम हो जाएगी। तो कारण क्या है दोस्तों, चलिए समझ लेते हैं। पहली बात है बढ़ती उम्र और कम उम्र, वो कुछ भी हो आज के जमाने में, ये झाइया झुरिया पिगमेंटेशन और पिंपल्स होना बहुत ही कॉमन है। डार्क सर्कल होना, अकने होना, ये सब सारे कॉमन होता है। इसके लिए आप कुछ करना भी नहीं, आपको ऐसे ही हो जाती है, क्योंकि खान पान के अदल बदल और हमारी रहन सहन और हमारी कम सोना, ज्यादा हमें टीवी देखना, ज्यादा फोन की स्क्रीन देखना, सारे चीजें मिल जाती है और हमें इतनी नुकसान होती है। तो इससे हमें छुटकारा पाने के लिए दोस्तों सबसे बहुत ही अच्छी वाली रेमेडी है, आजकल के कम उम्र के लोग भी इस तरह से दिख रहे हैं, जैसे कि 15-16 साल की लड़कियां दिख रहे, 20-25 सालों की लेडीज दिख रहे कि उनके मुंह में बड़े बड़े पैचेस आ जाते हैं, सुंदरता कहीं गायब हो जाती है, इसी तरह से पैचेस आ जाती है, भाग दौड़ के वो केमिकल वाले सामान को इस्तेमाल कर लेते हैं, बहुत सारे डॉक्टर को भी चेकअप करा लेते हैं। तो ये देसी वाले नुस्खा है, आप जब भी इसको बनाएंगे बीच में थोड़ी इसमें गुलाब की जल भी डाल सकते हैं, कोई जरूरत नहीं है, लेकिन आपको अगर लगे तो कोई क्लींजर, गुलाब जल, रोज वाटर आप डाल सकते हैं। डालने के बाद देखिए दोस्तों, मैंने एक चम्मच यहाँ पे घी ली थी और देखिए ये दो चम्मच करीब करीब, दो ढाई चम्मच करीब करीब बन गया। इसको इस्तेमाल आपको कैसे करना है देखिए, ये ऑल इन वन एक हमने एक लोशन जैसे बनाया है, आप इसको हाथ पे लगाइए, अपनी बॉडी में पूरा लगा सकते हैं, बॉडी लोशन लेने की जरूरत नहीं है, सर्दियों में तो बहुत ही रामबाण जैसा काम करेगा। और अपनी फेस पे लगाइए, जैसे आप अपनी फेस पे कैसे लगाओगे ये जाननी आपको बहुत जरूरी है। आप इसको बच्चों पर भी लगा सकते हैं, कोई साइड इफेक्ट भी इसमें नहीं है, घी नेचुरल होती है और ये इतना पावरफुल होता है, कुछ भी आपको ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। आप इस्तेमाल कैसे करोगे, आपको रात को टाइम ही करना है, अच्छे से अपनी मुंह को फेस को साफ कर लीजिए, अच्छे से धो लीजिए और धोने के बाद इसको लगा लीजिए, लगा के सो जाइए, बस उतना ही काम कर लीजिए। रात को एक बार आपको करना है, दिन में कुछ नहीं करना है। और हाँ, दिन में जब भी अगर आप बाहर जाते हैं तो आप सनस्क्रीन इसके ऊपर लगाइए और मुंह को ढक के जाइए, बस इतना ही काम है। जो पिंपल्स होता है, झाइया झुरिया जो होती है, इतने बड़े बड़े हो जाते हैं कि हालत खराब हो जाती है, इतनी मुंह की हालत खराब हो जाती है। आप इसको कंटिन्यूसली आप एक महीना कर लीजिए, आपको रिजल्ट दिख जाएगी, आपकी स्किन की सॉफ्टनेस आ जाएगी, ये चीजें धीरे धीरे आपकी खत्म होने लगेगी। कोई चीज एक दिन में चमत्कार नहीं होता है दोस्तों, सारे चीजों को टाइम लगता है। अगर हम केमिकल इस्तेमाल करके हमें महीना लग रहा है तो ये तो होम रेमेडी है, नेचुरल चीजें है, दादी नानी की नुस्खे, इसमें तो एक दो महीना लगेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। आप आज करके कल करोगे हमें कुछ हुआ नहीं, ऐसा होता नहीं, नेचुरल चीजें हमेशा वक्त लेती है। तो इस तरह से आप अपने मुंह में अप्लाई कर सकते हैं, छोटे से लेके बड़े और नारी से लेके पुरुष तक सब कुछ, आप हर कोई उम्र के लोग इसको इस्तेमाल करते, अपनी गर्दन पे, पीछे वाले गर्दन पे, हाथ पे, पैर पे, पूरा लोशन जैसे आप लगा सकते हैं। रात को लगा के सो जाइए, सुबह अपनी आप मिरर में अपनी फेस देख के खुश हो जाएंगे कि इतना चमत्कार होता है, या कि सॉफ्टनेस, एक ग्लोनेस धीरे धीरे आपकी फेस में आएगी, फेस आपकी कलर जो होता है धीरे धीरे आ जाएगी, जितने भी काले हो, जो कलर हो, आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। इस तरह से छोटी सी चीजें मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है, आशा करती हूं आप लोगों को पसंद है। आप एक बार ट्राई कीजिए, एक महीने बाद आपको रिजल्ट खुद ब खुद पता चल जाएगा। तो देखिए मैं अपनी स्किन पे लगा रहा हूं, मेरी स्किन तो डस्की है,
अब पर कुछ भी मेरे स्किन पे होता नहीं। क्यों नहीं होता है दोस्तों? यही सारे होम रेमेडी मैं इस्तेमाल करती हूँ, कभी भी पार्लर की मुझे जरूरत नहीं होती है, मैं कभी नहीं जाती हूँ। कैसा लगा आज का टिप्स प्लीज कमेंट में बताएं। चलिए मिलते हैं कल के वीडियो, तब तक के लिए दोस्तों टेक केयर एंड बाय बाय। एक बार ट्राई जरूर कीजिए।